श्री रामधी की धुन में गणपति आज पधारो, श्री राम जी की धुन में, राम जी की धुन में, श्री राम जी की धुन में, रिश्ते नाते समझाओ, श्री राम जी की धुन में, गणपति आज पधारो, श्री राम जी की धूम है, गणपति आज पधारो, देवा रिद्धि सिद्धि लाओ, गणपति आज पधारो, देवा रिद्धि सिद्धि लाओ, मोदक भोग लगाओ, श्री राम जी की धूम में, गणपति आज पधारो, श्री कृष्णा जी की रूप में, गणपति आज पधारो, श्री कृष्णा जी के रूप में, साम दाम समझाओ, श्री राम जी की धूम रे, साम दाम समझाओ, श्री राम जी की धूम में। नाउ एवरीबडी हैव टू रिकॉल देयर ओन नेम। गणपति आज पधारो कृष्णा जी के रूप में, गणपति आज पधारो कृष्णा जी के रूप में, शक्ति बरसाओ श्री राम जी की धुन में, शक्ति बरसाओ श्री राम जी की धुन में, राम जी की धुन में, श्री राम जी की धुन में, मोदक भोग लगाओ श्री राम जी की धुन में, रिश्ते नाते समझाओ श्री राम जी की धुन में, साम दाम समझाओ कृष्णा जी की धुन में, शक्ति दे जाओ कृष्णा जी की रूप में। एक लंबी गहरी श्वास। Become aware of your teeth। अपने दांतों के प्रति सजग हो जाए। को लंबी गहरी श्वास भरेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। यू फील कंप्लीट, बिकम अवेयर ऑफ योर ओन फेस, यू कैन ओपन योर आईज। नहीं, चेहरे को ध्यान रखते हो। ओन फेस, यू कैन ओपन योर आई। कैन फील अ ग्लास ऑफ वॉटर। कवर बाय लाइट। एंड ड्रिंक वॉटर। आज हमने एक नए भजन का उद्गम करा है। आप हाँ रखिए, आपके पास दुर्वा आपके पास है, सभी लोगों के पास दुर्वा है। हाँ है, अभी हम बाद में लेंगे, बाद में रख बाद रख लो, खूब सारे। आज हमने एक नए भजन का उद्गम कर दिया। गणपति आज बतारो श्री राम जी के रूप में, राम जी की ने क्या समझा है, रिश्ते नातों का सम्मान कैसे किया जाए। कष्ट इस धरती पर आए, कष्ट
गणेश कृष्ण के रूप में आए, क्या कह गए? साम दाम, युक्ति, वक्त रखना पड़े तो अपनी भावनाओं के पीछे अपने परिवार का नाश ना करो, युक्ति के साथ अवेयरनेस करता। और गणपति आज पधारो, आप आपके रूप में शक्ति जी भर दे जाओ, नीतिका के रूप में, जया के रूप में, आभा जी के रूप में, वर्षा जी के रूप में, अनिल कुमार जी के रूप में, चंद्र, ऑल योर गणेश। बट आवर बिगेस्ट मिस्टेक, वी डिफरेंशिएट आवर सेल्फ एंड गॉड। हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ये कि हम अपने आप को और भगवान को अलग अलग दो चीजें मानते हैं। यस ओके, योर गॉड, योर गणेशा, योर शिवा, ऑल आर विद इन यू। यू हैव पावर टू फेस, यू हैव करेज टू फेस, नॉट रिक्वायर एनीथिंग। हाँ, वी रिक्वायर एनी वन, वॉट ही वॉन्ट फ्रॉम मी, एनी टाइप ऑफ हेल्प, आई एम रेडी, तैयार रहो हमेशा कोई मदद के लिए। ये बदला मत करो, इसने मेरी मदद नहीं करी, तुमने मदद क्यों करी? विवेक के साथ, अवेयरनेस के साथ रहोगे, वही जो हमेशा बोलता हूँ, गणपति भी वही कहते हैं, बुद्धि प्रदायक मंगलदायक। हमने मंगल मूर्ति का वीडियो डाला था कल, आपने देखा होगा। मंगल मूर्ति मतलब क्या? एक मूर्ति जिसके कान बड़े हो, जिसको सुनना ज्यादा आता हो, जिसको शिव के साथ देखना हो, जो आने वाली परेशानियों को पहले से भांप ले, बस बड़ा मस्तक, विवेक ही विवेक के साथ, बड़ा पेट, कितनी भी नेगेटिविटी पचा ले, गणेश वो मंगल मूर्ति हो गया। हाँ ना, यस। मिलते कल एक नए ज्ञान के साथ और एक नए ट्विस्ट के साथ, और अपने साथ होंगे अपने प्यारे न जाने कितने गणेश। मैं आपको आपके गणेश से मिला के रहूंगा ये 10 दिन के दौरान, ये मेरा पूरा विश्वास है। जहां तक आपके पास जो दुर्वा है, इस दुर्वा में से कोई भी एक अंश निकाल, अगर आपने 25 दुर्वा ले रखी तो थोड़ी सी दुर्वा निकालना, निकाल ले आप। महिला है लेफ्ट हैंड से कवर करेंगी, महिला है राइट हैंड पर रख के लेफ्ट हैंड से कवर करेंगी, और पुरुष लोग लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड से कवर करेंगे। थोड़े रख लें हाथ में माउस में, पुरुष लोग राइट हैंड पे रखकर, महिलाएं राइट हैंड पे रखकर लेफ्ट हैंड से कवर करेगी, पुरुष लोग लेफ्ट हैंड पे रखकर राइट हैंड पे कवर करेंगे। ठीक है, रख लीजिए माउस, आगे जो लेकर आए, पर अगर जो नहीं भी है जिनके पास दुर्वा, वो भी ऐसा हाथ रखेंगे, आंखें बंद करिए, कुछ दुर्वा महिलाओं का बाया हाथ, पुरुषों का सीधा हाथ, या 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में, कोई भी कार्य आपका लंबित हो उस कार्य को सोचें। एनी वर्क विच यू आर एक्सपेक्टिंग विद इन अ मंथ, हर्डल, सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट, पुरुष लोक, हाथ,
छाती पर लगाएंगे चेस्ट पर, लेडीज राइट हैंड, एंड प्रेस लिटिल बिट बोथ हैंड, छाती से निकाल कर दोनों हाथ में दबाए, और आंखें खोले। यह दुर्वा आज आपको, जो लोग रात में इंडिया में, आपको आपके तकिए के नीचे रख के सोना है। यू हैव टू पुट अप अंडर योर पिलो एंड दोज आर इन द मॉर्निंग दे जस्ट कीप ऑन अ प्रेस एंड यू हैव टू ऑल्सो स्पेंड योर नाइट विद दैट। दुर्वा अपने नीचे रखकर दूसरे दिन उसको लेकर आपको किसी पौधे की जड़ में डालना है। जो भी समस्या आपने सोची है, गणेश को दुर्वा पसंद क्यों है, दुर्वा 15 दिन 10 दिन तक रहती है, अधिकता में दुर्वा का अभी आप समझ गए ना उपाय को, अंडरस्टैंड रिमेडी, अंडरस्टैंड है ना, यू नॉट रिक्वायर टू पुट अप जाए जी, आप सब समझ गए ना जो लोग यहाँ पे हैं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम। जो रखिए हाथ में लेकर तकिए के नीचे रख के सोना और सुबह उसको किसी पौधे की जड़ में डाल दे। आपको मालूम है यह 10 दिन बाद दुर्वा का उपयोग क्या होता है? एनीबडी नो? 10 दिन में खूब सारी दुर्वाएं गणेश जी को चढ़ती है, वो दुर्वाएं सूख जाती है। क्या हुआ, हमारे ऋषि मुनि ने क्या करा उसका उपयोग? उसका उपयोग उन्होंने श्राद्ध पक्ष में करा, वो जो हमारे डिमांड बढ़ जाती है उसकी, दुर्वा घनी भाई दुर्वा वो लेकर आओ, जो सूखी हुई घास उसको बनाकर वो तर्पण कराने में उनको उपयोग में नहीं लिया गया। मेरा कोई विशेषकर वैज्ञानिक मत में ऐसा नहीं है कि वो दुर्वा से करने में, केवल उस चीज को, दुर्वा को जो हरी छोड़कर सूख गई थी उसका भी उन्होंने उपयोग बताया पितरों के साथ। तो प्रकृति की एक एक चीज का उपयोग और दुरुपयोग, प्रकृति के जन्म में हर एक जंतु जो आपकी समझ में आते हैं, अच्छे पॉइंट बुरे पॉइंट इंक्लूडिंग यू, पर आपको क्या देखना है? आपको सांप को देखना है तो सांप की जड़ से डलना है, इस सांप को आपको अंदाजा करना है कि इसकी विवेक बहुत अच्छा अवेयर प्राणी है। चूहे को चूहेदानी में आ गया लालच में, ये देखकर खुश होना है कि चूहा कितने बड़े से बड़े पहाड़ को खोद देता है। शेर को देखकर डर लगना आपका, शेर का करेज दुर्गा माने सेंटर में। कई बातें ऐसी, बहुत समय लगेगा,